your miracle day. Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदा कुदरत वाला है, वो जिंदा खुदा है, वो वादों में सच्चा खुदा है और उसके वादे ला तब्दील हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए जो खुदा ने हमें दिया। और कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा रोज़ खुदा के कलाम को लेकर, खुदा के मुँह की बातें लेकर हम आप तक पहुँच जाते हैं। और मैं इसके लिए बात के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप बेदार रहते हैं, बेकरार रहते हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा के कलाम की बातों को सुनने के लिए। तो आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी हो खुदा के खादमीन के लिए जिन्हें खुदा ने भेजा है। आप हर रोज नए खादमीन से मिलते हैं, आप सुनते हैं उनकी पर्सनल गवाही को, आप सुनते हैं कलाम की खूबसूरत बातों को। तो इससे पहले कि हम और इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और दुआ में हमारी रहनुमाई खुदा के खादम पास्टर असलम अनायत साहब करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के खादम के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ के नाम में लश्करों के खुदा, बैरोबर के खालिक और मालिक तुझे है, तुझे था, तुझे जल्द आने वाला है और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर आपके पास है। हम शुक्रगुजारी करते हुए आपके फाटकों में और हमद करते हुए आपकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सारी रफाकत के लिए, इस मौका के लिए जो आप अपने खादमों को, अपने लोगों को बख्शते हैं। और आपके कलाम में लिखा है, क्या ही अच्छा है कि भाई बाहम मिल कर रहें। ये उस तेल की मानद है जो हारून के सर पर डाला गया। खुदावंद आज की मेल मलाप के लिए, इस रफाकत के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। ऐ खुदा, हम तेरे खादम के लिए बरकत चाहते हैं, अपने बंदा की खिदमत को और बड़ा खुदा। ऐ खुदावंद, इनकी खिदमत को खुदा दुनिया के तूलो अर्ज में कसरत के साथ इस्तेमाल कर, क्योंकि आपने फरमाया कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे यरूशलम, यहूदा, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अरे खुदा, अपने बंदा को बरकत दे, उनकी खिदमत के लिए बरकत चाहते हैं, सारी लीडरशिप के लिए बरकत चाहते हैं, प्रेस टीवी के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा, एक दूसरे के लिए आपने फरमाया कि बरकत चाहो, बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस हो। ऐ खुदा, हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों, और मेरा दिल इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी से भरा रहता है कि जब भी हम खुदा के कलाम पर तवज्जो देते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। और मैं आपके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो हर रोज़ खुदा के कलाम का इंतज़ार करते हैं कि अब हम खुदा का कलाम सुनेंगे, आप प्रेस टीवी देखते रहते हैं, आप इंतज़ार करते रहते हैं, तो आप लोग मुबारक हैं, क्योंकि कलाम मुक़दस में लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतज़ार करता है। तो आए, अब वक्त है कि मैं खुदा के खादमीन का तारफ आपको करवाता चला जाऊं। हमारे साथ हैं आज खुदा के खादम पास्टर असलम अनायत, हम आपको वेलकम कहते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई हैं पास्टर मूसा आरिफ, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इनके साथ खुदा के खादम पास्टर नासिर लतीफ़ साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे अज़ीज़ों के हम हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनते हैं खादमीन की खूबसूरत गवाहियों को। पास्टर असलम, आपकी खिदमत खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आज आपकी खूबसूरत गवाही आज कलीसिया तक पहुंचे, जिस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ने कैसे आपको बदला, खुदा कैसे आपको अपनी खिदमत में लेकर आया। चाहता हूँ कि आज आपकी गवाही जो है वो कलीसिया तक पहुँचे। मेरा नाम पास्टर असलम अनायत है और मैंने 2001 में पानी का बपतिस्मा लिया और मैंने दी पावर हाउस से 2 साल की सेमिनरी की। उसके बाद हम उसी चर्च के साथ 11 साल उसी चर्च के साथ खिदमत की और मैं डीपीएस स्कूल में भी जॉब करता था। खुदावंद ने फिर उसके बाद 2013 में मुझे फुल टाइम खिदमत के लिए बुलाया और हमने ग्रेस ऑफ गॉड चर्च का आगाज़ किया। और उस चर्च का हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, फिर हमने गली में पहली इबादत की, फिर इबादत आस्ता आस्ता करते, फिर हम 2013 में हमने चर्च को कायम किया और आज 5 साल हो चुके हैं चर्च में हमें खिदमत करते हुए। और खुदा का शुक्र है कि इन 5 सालों में
हमने पानी के बपतिस्मे बच्चों का संडे स्कूल डेली 5 से 6 बजे तक, उसके बाद बहनों की मीटिंग, मंडे की मीटिंग होती है बहनों की मीटिंग, संडे की इबादत 9:30 से 11:30 बजे तक, और एक महीने में एक नाइट प्रे हम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कलीसिया में एक नाइट प्रे करते हैं, जिससे आने वाला महीना कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदा ने मुझे जॉब से निकाल कर फुल टाइम खिदमत में लेकर आया, खुदा ने मुझे ग़ुलामी के घर से निकाल कर खुदा ने मुझे शाही कहनों का फ़िरका बनाया, और अंजील की खुशखबरी की जिम्मेदारी ये मेरे तक आई। और मैंने अपने घराने में, मेरे घराने में कोई भी निजात आफ्ता नहीं था, बल्कि 2001 में जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया तो मेरे ख़ानदान में नशे में गिरफ्तार थे, तो खुदा के कलाम में लिखा एक शख्स के निजात पाने से तेरा पूरा घराना निजात पाएगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि 2001 में जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया तो 2018 में खुदा ने मैं बरकत दी, और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च के लिए खुदा ने मुझे बुलाया, और खुदा का शुक्र है कि मैं इस खिदमत में सरगर्म हूँ, और मेरे साथ मेरी लीडरशिप और खादम भी हैं, और मैं भाई साहब का भी शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं अपनी गवाही और अपनी खिदमत अपने चर्च के बारे में आप तक ये गवाही पहुँचा सकूँ। आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत गवाही है खुदा ने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने खादम को बरकत दी, और आज एक ज़बरदस्त फ्रूटफुल खिदमत है उनकी। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर मूसा आरिफ, हम चाहते हैं कि ब्रदर आपकी भी खूबसूरत गवाही आज कलीसिया तक पहुँचे। मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ो, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी जो बेस है वो संडे स्कूल से स्टार्ट हुई। मैंने तकरीबन 5 साल जो है, 18 साल मेरी उम्र थी, मैंने तकरीबन 5 साल वहाँ पे संडे स्कूल खिदमत की, और बच्चों को टीच भी करता था। और मेरे इलाके में आपने नाम सुना होगा बहादुरपुरा, वहाँ पे बड़े लोग खुदा को नहीं जानते थे, लड़के नशा करते थे, खुदावन ने मुझे तौफीक बख्शी। और मैंने अपनी 9th की जब मैं पास हुआ 9th में, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पैसे दिए कि आप बेटा अपनी किताबें ले, और मैंने किताबें नहीं ली बल्कि मैंने उस पैसों को क्या किया, एक रेंट में, रेंट के एक छोटा सा कमरा लिया जहाँ पर मैं छोटे बच्चों को स्टडी करवाता था। और खुदावन ने मुझे तौफीक बख्शी कि मैं खिदमत में आगे बढूं, और मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि आप खुदावंद की खिदमत के लिए आगे बढ़ें और सेमिनरी करें। तो मैं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट कोस्ट यानी डॉक्टर जमील नासिर साहब से, यानी मैंने 2 साल की ट्रेनिंग की है, और मैं यही चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को संडे स्कूल की तरफ लेकर जाएं। अगर आप चर्च जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ जाएंगे, अगर आप चर्च नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे, वो खुदा का डर खौफ अपने दिल में नहीं रखेंगे, क्योंकि कलामी मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद का खौफ इलम का शुरू है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद इलम हासिल करे, खुदा का डर खौफ रखे, आपके ताबेदार रहे, आपके फरमाबदार रहे, तो मेरे अजीज़ों अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएँ। मेरे अजीज़ों, माँ बाप एक आईने की तरह है जिसमें बच्चा अपनी सूरत को देखता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने बच्चों के सामने दुआ करेंगे, खुदा की हमदो सताइश करेंगे, तो मेरे अजीज़ों आपकी औलाद आपको देखकर वही रवशें अपनाएगी, अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगी। तो मेरे अजीज़ों, मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी बेस आज मैं खादम हूँ, हम खुदा को नहीं चुनते बल्कि खुदा हमको चुनता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद खुदावंद की खिदमत में और कुर्बते खुदावंदी में बढ़े, तो मेरे अजीज़ों आप अपने बच्चों को चर्च और संडे स्कूल लेकर जाया करें। वाह, वंडरफुल, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है इस गवाही के अंदर। आपको पता है कि मैं अमूमन जब भी बात करता हूँ या अपनी को गवाही देता हूँ तो मैं भी बताता हूँ कि हमारी बेस, मेरी पर्सनल जो मैं कहता हूँ, मेरे भाइयों की, मेरी फैमिली की जो बेस है वो संडे स्कूल है। मैंने संडे स्कूल से सीखा और बहुत कुछ सीखा, मेरे भाइयों ने सीखा, बहनों ने सीखा, और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे का पूरा ख़ानदान जो है खुदा की खिदमत के अंदर है। आज अगर आप मुझे खुदा की खिदमत करते, आप हर रोज़ टीवी पे देखते हैं मौजज़ात होते हैं, अंधों की आंखें खुल रही हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लेकिन इन सब कामों के पीछे एक तो दुआ है, और जो मैंने बचपन में सीखा कि सारा कुछ खुदा उस चीज़ को लेकर आगे आ रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ना कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे हटने ना पाए।
आप अगर बच्चों की तरबियत करेंगे, वो संडे स्कूल जाएंगे, उन्हें आदत होगी, आप घर में दुआ करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ दुआ करेंगे, बच्चों को आदत होगी दुआ करने की। आप चर्च जाएं, बच्चों के हाथ में हदिया दें, बच्चों के हाथ से हदिया थैली में डलवाया करें, उन्हें आदत हो कि मैंने बीज बोना है। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी आयतें सिखाएं कलाम मुकद्दस की और उन्हें बोलें कि वो बताएं। आपने मेरे बेटे को टीवी पर सुना होगा पैगाम देते हुए, आपने मेरी बेटी को सुना होगा वो किस तरह से खुदा के जलाल के लिए बोल रही है, पैगाम दे रही है, आयतें तो आपने सुनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी जिस तरह पास्टर मूसा आरफ ने अभी गवाही दी है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने और एग्जांपल दी, आप भी अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, उन्हें चर्च लेकर जाया करें, ताकि खुदा उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करे और वो भी उनकी तवज्जो बचपन ही से खुदा के कलाम की तरफ हो, ताकि कलाम की ये आयत पूरी हो सके। और जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाइबल मुकद्दस, कलाम के आयन, शरीयत के आयन, बाइबल मुकद्दस के आयन अपने बच्चों को सिखाए जाएं और आप इन्हें सिखाएं। हमारे साथ हैं प्यारे भाई पास्टर नासर लतीफ़। चाहता हूं कि ज़रूर आप भी अपनी ग्रीटिंग जो है कलीसिया को दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपकी गवाही जो है बहुत दफ़ा कलीसिया तक पहुँच चुकी है। मैं चाहता हूँ आज अपनी खिदमत के बारे में शॉर्ट और ग्रीटिंग जो है कलीसिया को ज़रूर बताइए। मसीह यीशु के अजीम बबरकत कादर और फतेमंद नाम में आप सबको पास्टर नासिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मेरा दिल खुदावन की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि जिस खुदा ने ये मुमकिन किया और जिस खुदा ने अपने चर्च के साथ वफ़ादार रखा, अपने खादिम के साथ वफ़ादार रखा। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा के खादिम यानी जो हमारे सीनियर पास्टर हैं शहजाद साहब, उनके साथ और खुदा के साथ वफादारी का ये सबूत है कि खुदा हर रोज़ हमें बढ़ा रहा है, हमारी खदमत को वसी कर रहा है और खुदा अपने जलाल के लिए हमें कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जब आप किसी के साथ वफादार होते हैं तो फिर समझें कि आप खुदा के साथ भी वफादार हैं। आज इससे पहले कि हम ब्रेक पर चलें, मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त के लिए चंद एक बातें कलाम मुकद्दस की जो है शेयर की जाए। देखिए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए पास्टर साहब, और हम इस वर्ष को लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। इम्साल उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। कलाम मुकद्दस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम बात करेंगे जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उन्हें तर्क करता है। दो बातें हैं, एक तो गुनाहों को छुपाने के तलक से हम बात करेंगे और दूसरा गुनाहों को तर्क करने से के तलक से आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो तरक्की पाएं, सरफराजी पाएं और खुदा की बरकात भी हासिल करना चाहते हैं, खुदा की फेवर भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने गुनाह को अपने अंदर लपेट के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। लेकिन कलामे मुकद्दस में लिखा है जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। रहमत उसी शख्स पर होनी है जिसने अपने गुनाहों को छोड़ना है, जिसने अपने गुनाहों को तर्क करना है और उनका इकरार भी करना है। तो यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों पर आज हम बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बातें आज कलाम मुकद्दस की आप सुनने वाले हैं। मैं ही मान रखता हूं कि आप यकीनन बरकत पाएंगे। इस ब्रेक के दौरान हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि चर्च बिल्डिंग की वीडियो है, जिसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ज़रूरत है ईंटों की, हमें चाहिए सीमेंट, हमें इस वक्त नीड है सरिया की। आप सरिया डोनेट कर सकते हैं, आप ईंटें भेज सकते हैं, आप रेत भेज सकते हैं, आप बजरी भेज सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। हमें पैसा ही नहीं चाहिए, ना मैं बार बार ये कहता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ हमारी ज़रूरत पैसा नहीं बल्कि एक चर्च बिल्डिंग है। आप खुद आएँ, अपने हाथ से अपने फंड्स को यहाँ पर लगाइए। अगर आप पास्टर हैं, आप चर्च लीडर हैं, आप मिनिस्ट्री करते हैं, तो ज़रूर अपने चर्च में से कम से कम संडे का, एक संडे का हदिया अपने चर्च में से दूसरे चर्च को बिल्ट अप करने के लिए जरूर हमें दीजिए। खुदा आप सबके साथ हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुनेंगे कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चर्च की तमीर का काम शुरू है और ये सब आप लोगों की मदद से मुमकिन हो रहा है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा खुदा के इस बाबरकत काम में हिस्सा डालें।
अगर आपके रिश्तेदार मुल्क से बाहर मुकीम हैं, आप उनसे भी दरख्वास्त करें कि खुदा के घर की तमीर में हिस्सा डालें, ताकि खुदा का घर जल्द से जल्द तमीर हो सके। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर पर राबता करें। शुक्रिया। वेलकम बैक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजो, हमारा खुदा कुदरत वाला है, वो जिंदा खुदा है, और मैं इमारतों के आप यकीनन आज बरकत पा रहे हैं, और मैं इमारतों के यकीनन आज आप बरकत पाएंगे। कहीं जाइएगा मत, खुदा के कलाम को सुनते रहें, क्योंकि बरकत खुदा के कलाम के वसीला से ही मिलती है। जी पास्टर साहब, हमने अभी कलाम मुकद्दस में से वर्स ली है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, यानी अपने गुनाहों को तर्क करता है, उस पर रहमत होगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस वर्स के तलक से? भाई साहब, इस आयत में खुदा ने खास कामयाबी का भेद हमारे लिए रखा है। वाह, वंडरफुल। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने गुनाह को छुपाएं ना। हननिया और सफीरा की तरह उन्होंने अपने गुनाह को छुपाया तो वो हलाक हुए, वहीं पर मर गए। और यहां पर दूसरी तवारीख उसका सातवां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है जी, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर जो मेरे नाम से कहलाते हैं। वाह वाह, यीशु ने कहा तुम मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हो, खाकसार बनकर दुआ कर, क्या बात, प्रेज द लॉर्ड, रोजा रखकर, टाट ओढ़कर, खुदा ने कहा मेरे दीदार के तालिब हो, और मैं अपनी बुरी राहों से फिरे, तो खुदा ने फरमाया मैं आसमान से सुनकर, बिल्कुल ठीक, नगाह करके, सुन के, सुनकर उनको गुनाह को माफ करूंगा, आमीन, और उनके मुल्क बहाल करूंगा। हालेलुया। खुदा ने यहाँ पर तीन बरकतें के पहले हम खाकसार बने, अपने गुनाहों का इकरार करें, और तीसरी कामयाबी की बरकत उसके दीदार के तालिब हों, और चौथी बरकत खुदा कहता है कि मैं आसमान से, जो आसमान उसका तख्त है, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो फरमाता मैं कि आसमान से सुनकर उसके गुनाह को माफ करूंगा, कि जो गुनाह को छुपाएगा कामयाब ना होगा, बल्कि जो इसका इकरार करेगा, पहली बरकत कि उसके गुनाह को माफ किया जाएगा, और उसकी जिंदगी को, उसके मुल्क को, उसके खानदान को, उसके बच्चों को, उसके बिजनेस को, उसकी सेहत को बहाल किया जाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी की खुदा ने हमारे लिए एक दरवाजा खोला है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, कद्दूस नाम से, कद्दूस पाक, अगर हम उस पाक नाम से कहलाते हैं, अगर वो खाकसार बनकर रोजा रखें, टाट ओढ़ें, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैं आसमान से सुनकर तेरे गुनाह को भी माफ करूंगा, और तेरे मुल्क को कामयाब करूंगा, तेरे बिजनेस को, तेरी सेहत को, तेरे बच्चों को, तालीम के शोबों में तेरे बच्चों को दुनिया की बुलंदियों पर लेकर चलूंगा। और क्लिशेई तौर पर अगर आप यकूब का खत देखें, यकूब का खत 5वां बाब उसकी 16 आयात में खुदा के कलाम में लिखा है कि आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। आमीन, आमीन। यहां पर हम सारे मसीह के बदन के अज़ा हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे मसीह के बदन के अज़ा हैं, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करो, और एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि शिफा पाओ। पहला हमारा चुनाव उस शख्स को गुनाहों का इकरार करे जो दुआ करने वाला शख्स है, ताकि वो हमारे लिए क्या करे, दुआ करे और शिफा पाओ। और आगे लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से
बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो भाई साहब, पहले खुदा उसकी हजूरी में खाकसर बने, उसके दीदार के तालिब हों, और वो आसमान से हमारे लिए अच्छे खजाने, जो आसमान उसका अच्छा खजाना वो गोलेगा। उसके बाद हमारे रहनुमा पास्टर साहबान उनके पास जाएं, अपने गलती का, अपने गुनाह का इकरार करें, और वो आपके लिए दुआ करेगा तो आप शिफा पाएंगे। और उसके बाद लिखा है कि रास्तबाज, फिलिपियों के खत में लिखा दूसरा बाब उसकी पहली आयत में कि शरीयत से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरते हैं। और उस शख्स के पास जाएं जो दुआ करने वाला है, जो रास्तबाज है, और कलाम में लिखा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये आयत इम्साल की किताब कि जो अपने गुनाह को छुपाएगा वो कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसको तर्क करेगा, अपनी बुरी राहों से फिरेगा, तो बाइबल मुकद्दस कहती उस पर खुदा की रहमत होगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जो खुदा पर तवक्कल करते हैं उसे रहमत घेरे रखती है। तो जरूरी है हम एक और हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना का आम खार, उसका पहला बाब उसकी सात आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम नूर में चलें कि जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि यीशु ने कहा जिंदगी का नूर मैं हूं और तुम दुनिया के नूर हो। अगर हमारी उसके साथ शराकत है, नूर में शराकत है, तो मसीह यीशु का लहू तुम्हें तमाम गुनाहों से धोता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं, कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हम अपने आप को एक फरेब की तरफ लेकर जा रहे हैं, नाकामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए खुदा का भाई गुलाम कहता कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अपने गुनाहों का इकरार करें, बिल्कुल ठीक है, और अपने आप को इस फरेब से बाज रखें। और बाइबल में कहता हम में सच्चाई नहीं। अगर हम फरेब अपने आप मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो बाइबल मुकद्दस कहती कि वो अपने आप को फरेब देता और उसमें सच्चाई नहीं। ये सच्चाई है, यूहन्ना 17:27 आयत में लिखा है कि ए बाप इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। तो जो अपने गुनाह को छुपाएगा, पहली बात वो अपने आप को फरेब देता है और उसमें सच्चाई नहीं, दूसरा वो कामयाब ना होगा। 9 आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। और इसकी 10 आयत में बड़ी खूबसूरत आयत, बाइबल मुकद्दस में कहते अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उस का कलाम हम में नहीं है। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पावरफुल बातें कलाम मुकद्दस में से आपने कलीसिया तक पहुंचाई हैं। जी पास्टर मुसारफ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारक है इम्साल 28:13, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। यानी वो कुर्बत खुदावंदी में ज़िंदगी बसर करेगा। जो अपने गुनाहों को तर्क करता है, जो अपने खताओं को तर्क करता है, इसी तरह हम एक नबी के बारे देखते हैं, नहमिया उसका 9 बाब उसकी पहली 2 आयत मुबारक की तलावत करते हैं। नहमिया एक गवर्नर था जो कि यहूदा के कबीला में, उस पर शाफारस हुकूमत करता था, और उसने नहमिया को वहाँ पर गवर्नर मुकरर किया था, जो कि ये खुदा से बहुत प्यार करता था, डरता था, उससे दुआ करता था। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं फिर इस महीने की 24 तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रख कर, टाट ओढ़ कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग होकर और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा किया। मेरे अजीजों, इस तरह हम देखते हैं नहमिया की किताब में। फिर इस महीने की 24 तारीख यानी 7वें महीने की बात हो रही है, जबकि
यहाँ पर खैमों की ईद होती थी और उसके ख़त्म होने के दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को खुदावन की हजूरी में रखा। उन्होंने अपने बाप दादा की खताओं को, अपनी गलतियों को खुदावन की हजूरी में रखा, उन्हें तर्क करना चाहा। मेरे अजीजों यहाँ पर टाट का जिक्र आ रहा है। टाट एक इस तरह मोटा कपड़ा या भारी भरकम कपड़ा वो अपने बदन पर पहनते और अपने सर पर राख डालते, यानी अपने आप को खाकी बनाते, सफ अराई हो जाते अपने मालिक के हजूरी में। मेरे अजीजों और वो पहले पैर उन्होंने क्या किया, खुदावन की शरीयत को पढ़ा, यानी एक पहर जो है वो 3 घंटों पर मुश्तमिल है। उन्होंने एक पहर यानी 3 घंटे शरीयत को पढ़ा और दूसरे पहर उन्होंने इकरार करके सिजदा किया, यानी 3 घंटे उन्होंने क्या किया, इकरार करते रहे और खुदावन को सिजदा करते रहे। मेरे अजीजों हम इसी तरह खुदावन के कलाम में आगे बढ़ते हैं। हम अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी आयत मुबारका 12 को देखते हैं। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। मेरे अजीजों के जिसके वसीला से हम नजात पाए, हमारे बातनों में बहाली आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बातनों में बहाली आ जाए, आप सरबुलंद हो, सरफराज हो, आपके अंदर से बीमारियां जाती रहें, तो मेरे अजीजों आप अपने गुनाहों को तर्क करें। मेरे अजीजों इसी तरह हम खुदावन के कलाम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिलिपियों के खत को। तो मेरे अजीजों उसका 2 बाब उसकी 11 आयत मुबारका को देखते हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो इंसान इकरार करता है अपने मालिक के हजूरी में, सफ अराई होता है, झुकता है, अपने आप को उसके आगे सिलेंडर करता है, तो मेरे अजीजों वो जिंदगी बहाल होती है, वो जिंदगी सरबुलंद होती है। आप चाहे किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आपके घरों में कर्जे की लानत है, आपके घरों में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, कमजोरियां हैं, लाचारियां हैं, तो मेरे अजीजों अपने गुनाहों को तर्क करें, क्योंकि गुनाह का वजन बहुत भारी होता है। तो मेरे अजीजों अपनी जिंदगी से उसे दूर करें। अगर हम देखते हैं तो मेरे अजीजों खुदावंद के खादम पास्टर असलम ने बहुत खूबसूरत आयत मुबारका की तलावत की। यकूब का खत उसकी 5 बाब और उसकी 16 आयत मुबारका को देखें कि एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि आप शिफा पाए। रास्तबाज की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे अजीजों यहां पर खुदावंद का बंदा मुकद्दस यकूब नबी क्यों फरमा रहा है कि एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर हम करंथियों, पहला करंथियों उसका 3 बाब 16 से 17 आयते मुबारका को देखें तो कलामे मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदावंद का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई इंसान खुदावंद के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदावंद उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदावंद का मकदस पाक है और वो तुम हो, खुदावंद आपके अंदर रहता है। मेरे अजीजों जब खुदावंद ने आसमान, जमीन, जानदार, हशरात, नबतात अपने कलामे मुकद्दस से बनाए, तो मेरे अजीजों बारी आई इंसान की, तो उसने अपने हाथों से आदम को क्रिएट किया, तो अपने उसने अपना जिंदगी का दम उसके नथनों में फूका। तो मेरे अजीजों 12 ताला हाथ से बनाए हुए मस्कनों में नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है। इसलिए मुकद्दस यकूब नबी ने फरमाया एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, यानी इसका मतलब है कि खुदा आपके अंदर और मेरे अंदर और खादमीन के अंदर रहता है। तो मेरे अजीजों आप बहाल होना चाहते हैं तो अपने गुनाहों का इकरार करें, तर्क करें उन्हें, और मेरे अजीजों बहाल ही आ जाएगी आपके बातों में। मेरे अजीजों अगर हम खुदा के कलाम में देखें कुलसियों 2 बाब उसकी आयत मुबारका 9 की तलावत करें तो लिखा है अलूहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है, यानी खुदावन यीशु में ये सारी चीजें सुकूनत करती हैं, उसके वसीला से ये सारी चीजें वजूद में आई। अगर यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 आयत मुबारका को देखे तो लिखा है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था और खुदा ने अपना कलमा सादर करता गया। तो मेरे अजीजों चीजें वजूद में आती गई, तो यानी मसीह यीशु के वसीला से ये सारी चीजें वजूद में आई। तो मेरे अजीजों अगर आप अपनी गुनाहों का इकरार खुदावन के आगे, मसीह यीशु के आगे करते हैं, खादमीन के आगे करते हैं, तो मेरे अजीजों आप के ऊपर खुदावन की रहमत है, आप कुर्बते खुदावंदी में जिंदगी बसर करते हैं। और कुर्बते खुदावंदी में जो इंसान जिंदगी बसर करता है उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत खुदा ने अपने कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, 91 ज़बूर आयत मुबारका 5 और 6 को देखते हैं। उसने कहा ना तू रात की हैबत से डरेगा, ना दिन के उड़ने वालों तीरों से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। यानी जो इंसान कुर्बते खुदावंदी में जिंदगी बसर करता है तो खुदावंद उस पर अपने हाथ को रख देता है। उसके हजूरी में जब इंसान रहता है तो अबलीस उसके नजदीक नहीं आ सकता। मेरे अजीजों
मेरे अजीजों अगर हम देखें तो खुदावन यीशु नासरी अपने शिगिर्दों के हमरा दरिया यर्दन में कश्ती पर सवार थे और वहां पर झील के अंदर तूफान भरपा हो गया और मेरे अजीजों वो चलाना शुरू हो गए। आए रब्बी आई उस्ताद देख तू आराम कर रहा है तो हमारी जाने मुश्किल में है, और ये देख कश्ती के अंदर पानी भरा जाता है, कश्ती डूबने के मकाम में है। तो मेरे अजीजों खुदावंद उठे तो उसने हाथ बढ़ाया, हवा और पानी साकन हो गया, तो मेरे अजीजो तूफान थम गया। तो मेरे अजीजो कलमाए खुदा जिस जिंदगी में आ जाते हैं, हमारी जिंदगियां भी एक कश्ती की तरह है जो हर रोज बीमारियों के तूफान में जूझती हैं, जो हर रोज कमजोरियों के तूफान में जूझती हैं, जो हर रोज मेरे अजीजो गुनाहों के तूफान में जूझती है। अगर आपकी जिंदगी की कश्ती के अंदर खुदावंद यीशु होगा तो आपकी जिंदगी की कश्ती के अंदर कभी तूफान भरपा नहीं हो सकता, बीमारी का तूफान भरपा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी की कश्ती के अंदर कलामे खुदा है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कलामे खुदा आ जाता है तो मेरे अजीजों उसकी जिंदगी के अंदर रहमत आ जाती है, बरकत आ जाती है, वो जिंदगियां सरफराज सरफराज होती है मेरे अजीजों। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी ज़बरदस्त बातें नौजवान ने की हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरह शुरू में बताया कि संडे स्कूल से बेस और आज खुदा की खिदमत में हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा के बंदा ने बताई हैं। जी पास्टर नासिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस वर्स के अंदर? इस आयत मुबारक के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, और मैं समझता हूँ कि इस यानी आयत के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त राज छुपा हुआ है। और वो यानी कोई भी इंसान, कोई भी इस दुनिया के अंदर जो है आज वो कामयाब तरीन जिंदगी गुजारना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जिंदगी कामयाब हो, मेरा बिजनेस कामयाब हो, मेरा घराना कामयाब हो, मैं खुद कामयाब हूं, यानी मैं प्रॉस्पर शख्स हूं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि रूहानी जिंदगी के अंदर, यानी जब आप रूहानी मैदान जंग के अंदर हैं तो वहां पर भी कामयाबी की एक कुंजी है, वहां पर भी एक की ऑफ सक्सेस आपके पास है, वहां पर भी प्रॉस्पर होने के लिए एक चीज आपके पास है। और वो चीज क्या है जो खुदा के कलाम की वर्स आज हमने पढ़ी है, इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं कि इस आयत मुबारका के अंदर बहुत ही खूबसूरत राज पनहा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। यानी वो शख्स कभी प्रॉस्पर नहीं हो सकता, वो शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो शख्स कभी कोई भी काम शुरू कर ले। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग रूहानी मैदान के अंदर जब उतरते हैं, जब रूहानी लाइफ शुरू करते हैं, जिस्मानी लाइफ की यहां पे हम बात नहीं कर रहे, यहां पर हम रूहानी आलम की बात कर रहे हैं, हम रूहानी जिंदगी की बात कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर जब इस आयत में गुनाह का लफ्ज शामिल होता है तो हमें नजर आता है कि यह एक रूहानी आलम है। इस आयत के अंदर हमें रूहानियत नजर आती है, और रूहानियत के अंदर यानी हमें नजर आता है कि जो कोई शख्स क्या करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने गुनाहों को छुपाता है, वो कामयाब नहीं होता, कामयाब ना। लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होती है। अगर बाइबल मुकद्दस में से हम यशुआ की किताब उसका पहला बाप और उसकी आठवीं आयत देखें तो यहां पर तो लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि कामयाबी आती किस तरह से है? आप अगर कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको कौन से तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और वो तरीका है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यहां पर खुदा कहता है कि तू सिर्फ कामयाब नहीं, तू सिर्फ प्रॉस्पर नहीं होगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, तू खूब कामयाब होगा, खूब कामयाबी तुझे मिलेगी। और अक्सर हम ये देखते हैं कि आम लाइफ के अंदर भी जब आप देखें, जब किसी इंसान के अंदर खुदा के कलाम को कबूल करने की बात नहीं है ना, जब वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता, तब तक वो अपने गुनाहों को तर्क नहीं करता, तब तक वो अपने गुनाहों को छुपाता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अपने गुनाह को तर्क करने के लिए सबसे पहले गुनाह का एहसास होना है। सबसे पहली बात, आपको अपने गुनाह का एहसास हो जाए, एहसास से गुनाह जो है वो सबसे जरूरी चीज है। और दूसरे नंबर पर जो चीज है वो है इकरारे गुनाह, अपने गुनाह का इकरार करना। सबसे पहले तो आपको अपने गुनाह का एहसास हो। बहुत सारे लोग पर सब आज इस दुनिया में रहते हुए अगर उनको कहा जाए भाई तौबा कर ले, बहन तौबा कर ले, तो कहते हैं ऐसी किता की है, ऐसी हमने किया क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया,
हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि हम तौबा करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले किसी शख्स को इस कलाम को सुनकर उस गुनाह का एहसास होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो इकरार करे, जिस तरह दाऊद कहता है, हां मन लिया मैं ते हां डाढ़ा बदकार, मैंने मान लिया कि मैं क्या हूं, नहायत गुनेगार हूं, मैं डाढ़ा बदकार हूं। वो कहता है कि मैंने इकरार कर लिया है कि मुझे क्या किया है, मैं इस दुनिया में जब आया हूं तो मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। उसके अंदर गुनाह का एहसास मौजूद है, और फिर इकरार, और तीसरे नंबर पर जो बात है वो है तरके गुनाह। यानी सबसे पहले आपको अपने गुनाह का एहसास, फिर आप अपने गुनाह का इकरार करें, और तीसरे नंबर पर आप उस गुनाह को तर्क करें। जब तक आप कलाम से वाकिफ नहीं होंगे, जब तक खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में नहीं होगा, तब तक आप इस बात को जान नहीं सकते कि गुनाह का एहसास क्या है, गुनाह की मजदूरी क्या है। गुनाह की मजदूरी अगर बताएगा तो वो खुदा का कलाम बताएगा कि गुनाह की मजदूरी मेरे भाई मेरी बहन मौत है, जिससे हर शख्स डरता है। हम जिंदगी तो गुजारना चाहते हैं लेकिन मरना कोई शख्स नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुकद्दस कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह आपको मौत की तरफ लेकर जाता है। आइए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं, बामुताबिक लुका की अंजील और उसका 16वां बाप। यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि यानी कलाम को ना कबूल करने के बायस होता क्या है। यहां पर एक अमीर और गरीब लाजर की स्टोरी है, लेकिन यहां पर मैं एक शॉर्ट वर्स के साथ इस कलाम की तरफ आना चाहता हूं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं इसकी 29वीं आयत के अंदर, वहां पर लिखा है, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और इंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हां अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात, जो गरीब शख्स है उसका नाम लाजर है, और जो अमीर शख्स है उसका नाम क्या है, दौलतमंद। पहली बात तो यह कि लाजर जो है वो कलाम से वाकिफ है, उसने इस जिंदगी में रहते हुए कलाम को कबूल किया है, उसने तौबा की है, गो के वो गुर्बत के अंदर जिंदगी बसर करता रहा, गो के वो मुश्किलात के अंदर जिंदगी बसर करता रहा, गो के एक वक्त का खाना उसको मुयस्सर नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए उसका नाम कहां पर लिखा हुआ है, किताबे हयात के अंदर। जब उसको कॉल की जाती है तो कहा जाता है कि ऐ बाप लाजर को भेज, लेकिन जब अमीर शख्स की बात की जाती है तो उसका नाम हमें नजर नहीं आता। उसका नाम क्यों नजर नहीं आता, कि वो बाप इब्राहिम से भी जब सवाल करता है, जब वो कलाम की बात करता है तो कहता है कि ऐ बाप इब्राहिम तू क्या कर, इसको भेज ताकि ये क्या करे, मेरे घराने में जाए, मेरे भाइयों को जाकर कलाम सुनाए। लेकिन बाप इब्राहिम उसको कहते हैं कि उनके पास मूसा और इंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। लेकिन उस अमीर शख्स का जवाब क्या है, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, नहीं वो नहीं सुनेंगे पादरियों की, नहीं वो नहीं, वो खादमों की नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं कि बाप इब्राहिम नहीं, सबसे पहले वो उसके अंदर कलाम को कबूल करने वाला दिल नहीं है पादरी साहब, बिल्कुल ठीक। उसने उस कलाम को कबूल नहीं किया, उसके अंदर वो चीज नहीं है, हालांकि वो अजाब के अंदर है और वहां पर भी कलाम को कबूल करने वाली रूह उसके अंदर नहीं है। बाप इब्राहिम उसको कहता है कि वहां पर मूसा और इंबिया है, लेकिन कहता है नहीं 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 तो जरूर लाजर नहीं भेजे तो, लेकिन क्या कर मुर्दों में से अगर कोई जाए तो फिर वो जरूर सुनेंगे। वंडरफुल वंडरफुल जी, पर सब बड़ी खूबसूरत बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि हम दुनिया में रहते हुए कलाम को सुनते हैं लेकिन कबूलियत का दिल हमारे पास नहीं है, और जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते वो गुनाह को कैसे छोड़ सकते हैं, वो गुनाह को तर्क कैसे कर सकते हैं। याद रखें, अगर रहमत चाहते हैं तो फिर गुनाह को छोड़ना होगा, गुनाह को तर्क करना होगा, तभी खुदा का कलाम कहता है कि उसकी रहमत आप पर हम सब पर होगी। मेरे जी, जो वक्त है हम एक दूसरे के लिए और आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे कि खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने और अपने गुनाह को तर्क करने का फजल बख्शे कि हम अपने गुनाह को तर्क कर सकें और उसका इकरार कर सकें। आइए मिलकर अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे।
खुदा बाप तेरे बेटे यसु मसीह के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा पा खुदा तेरे बंदा पास्टर असलम के लिए, पास्टर मूसा और पास्टर नासर के लिए खुदा, जिनके वसीला से तूने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा अपने लोगों तक पहुँचाई हैं। हाँ खुदा उन पा खुदा तेरा हाथ बरकत देने के लिए इन पर ठहरा रहे, और ऐ खुदा उन देख जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इन सब के लिए भी तुझसे बरकत चाहता हूँ। खुदा उन पा खुदा अपने लोगों को बरकत दे, खुदा उन तरक्की इन्हें सरफराजी दे, ताकि खुदा हम लायक तौर पर तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने। खुदा उन पा खुदा इसी तरह मसीह के नाम से हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान की सलामती हो, हकूमत पाकिस्तान की सलामती हो। खुदा उन पा खुदा अपने नाम की खातर अपने लोगों को बरकत दे, ताकि तेरा जलाल और तेरी कुदरत खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में इसी तरह जाहिर होती रहे। हम मिलकर खुदा एक दूसरे के लिए भी बरकत चाहते हैं मसीह खुदा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर असलम, खुदावंद आपको बरकत दे आपके आने के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। पास्टर मूसा थैंक यू वेरी मच, और पास्टर नासर साहब आपके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं इमान रखता हूँ कि यकीनन आज आपने कलाम के इस खूबसूरत दुरानिया में जो वक्त हमने मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करने में और एक दूसरे से सीखने में गुजारा, आपने भी बरकत पाई है। इसी तरह प्रेस टीवी देखते रहें, प्रेस टीवी को अपनी दुआ में ज़रूर याद किया करें। जब भी दुआ करते हैं तो ज़रूर कहा करें गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर शहजाद, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। ये लफ्ज़ जो आपके मुंह से निकलेंगे ये यकीनन एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। तो खुदा आप सबके साथ हो, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बरकत दे। पास्टर मूसा, पास्टर नासर, खुदा इसी तरह आप लोगों को बढ़ाए। तो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, खुदा आप सबके साथ हो, इसी तरह बढ़ते जाएँ, खुदावंद में तरक्की करते चले जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी। Amen. Your miracle day.